नमस्कार, बहुत स्वागत। अढ़ाई का अड्डा देख रहे हैं आप और एक बड़े सवाल के साथ आज की शुरुआत करेंगे। देश प्रदेश में रोजाना सड़क हादसे हो रहे हैं, कई बार हादसे के जिम्मेदार व्यवस्थाएं होती हैं। पिछले दिनों गुना में हुआ हादसा इसी बात का एक उदाहरण है, जहां एक बस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी एक्शन में नहीं आए। गुना से कहीं कोई सबक नहीं लिया गया। आज बात छत्तीसगढ़ की, जहां बसों की हालत ऐसी है कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। आज बसों का रियलिटी चेक करेंगे, दिखाएंगे वो तस्वीरें जो पूछती हैं कि बसों की ऐसी हालत का, स्थिति का जिम्मेदार कौन। बसों की हालत आपको दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं, बसों की स्थिति से आपको बताते हैं कि किस तरह की स्थितियां हैं और क्यों बस हादसे लगातार हो रहे हैं। ये चार तस्वीरें देख लीजिए, सूरजपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और जांजगीर चांपा की तस्वीरें। इतनी सारी मौत होने के बावजूद कहीं कोई सबक नहीं। छत्तीसगढ़ के चार शहर सूरजपुर, कंडम बन चुकी है, कबाड़ बन चुकी है बस, लेकिन हादसे को न्योता लगातार जारी है। बिलासपुर में बसें अनफिट हैं, रस्सी से बांधी गई हैं, अंदाजा लगा लीजिए अधिकारी कितने सजग हैं। अंबिकापुर कि बस सिर्फ कागजों में फिट है। जांजगीर चांपा, यहां बस स्टैंड से बस गायब है। लोग बताते हैं कि असामाजिक तत्वों का कब्जा है। यह तस्वीरें बताती हैं कि मध्य प्रदेश में गुना हादसे के बाद भी छत्तीसगढ़ में कहीं कोई सबक नहीं लिया गया। बसों की हालत आपने देखी, बस स्टैंड की हालत भी आपने देख ली। अब बस और स्टैंड की वजह से यात्रियों को कितनी परेशानी होती है वो जान लीजिए। आपके सामने ही है जितने भी बस दिख रहे हैं, हम अपने परिजनों को लेके आए हैं, उनको भेजने में डर लगता है आजकल। कम से कम बस की जो स्थिति है इसको सुधार करना चाहिए, चाहे शासन कोई भी हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी भी प्रकार कोई भी शासन हो, कम से कम लोगों को जागना चाहिए। और जितने भी लोग परिजन हैं, उन हम लोग जो छोड़ने जाते हैं, एक डर रहता है मन में कि उन लोग सही सलामत वहाँ पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। सुरक्षा तो देखिए भैया, मैं बस में बहुत जगह ट्रेवल भी किया आज तक, लेकिन किसी भी बस में आज तक न स्त्री को भी लेकर के या किसी भी सुरक्षा को लेकर के आज तक किसी बस में सुरक्षित के लिए मैं नहीं देखा। बहुत कुछ जैसे बस में होता है, मतलब कुछ एक्सीडेंट हो जाने पर, कुछ जैसे किट होता है ना कि किसी को चोट लग जाने पर, लेकिन आज तक किसी भी बस में, अंबिकापुर से कितनी भी यात्रा किया, लेकिन किसी भी बस में से देखने के लिए नहीं मिले। अब सुरक्षा के इंतजाम में बहुत सारा चीज़ है, फर्स्ट एड बॉक्स है, ये सब है, वो सब किसी बस में नहीं मिलेगा। समन भी है, सब चीज है, वो सब। सरगुजा जिले की सड़कों पर दौड़ती बस भगवान भरोसे है। इन बसों के लिए कहीं कोई नियम कायदा कानून नहीं है और ना ही इन यात्री बसों के मालिक परिवहन विभाग के नियम कानून मानते हैं, लिहाजा जान जोखिम में डालकर यात्री बसों में यात्रा करने के लिए मजबूर है। यात्रियों की समस्याएं आपने सुनी, उससे साफ है कि बस सिर्फ कागज पर फिट है। हकीकत यह के वास्तविक स्थिति में बसें कंडम हो चुकी हैं। अधिकारियों को सुनिए, अंबिकापुर के परिवहन अधिकारी क्या कहते हैं। फिटनेस के लिए जो हम जो चेक करते हैं मेनली, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इंजन, उसका डैशबोर्ड, ब्रेकिंग सिस्टम, फिर उसके बाद आता है उसका लाइटिंग सिस्टम कि ब्रेक मारने से लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है, उसके इंडिकेटर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसके जो स्पीड गवर्नर है वो फिट है कि नहीं, वर्किंग में है कि नहीं, क्योंकि उसके लिए भी जो टेस्टिंग एजेंसी होता है उससे सर्टिफिकेट लिया जाता है। मध्य प्रदेश के गुना में द बर्निंग बस की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कई लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यालय में बसों की क्या स्थितियां हैं, फिटनेस, बीमा, सुरक्षा मानक, इनकी जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यालय की तरफ से। बिलासपुर न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, बस स्टैंड और आरटीओ की कार्रवाई की, कितनी वो कार्रवाई हो रही है उसकी जब पड़ताल की गई तो क्या निकल कर आया। मध्य प्रदेश के गुना में चलती बस में आग लगने की घटना के बाद से मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि विभाग जो है वो सड़कों पर इस तरीके से उतर चुका है और तमाम जो गाड़ियां, जो बसेस चलाई जा रही हैं
उनकी जांच की जा रही है, क्या उनका फिटनेस टेस्ट है किया जा रहा है, इसके अलावा जो बीमा है कि नहीं उस गाड़ी की, इसको भी देखी जा रही है। निश्चित रूप से एक बड़ी घटना हुई थी और उसके बाद से जिला प्रशासन समेत आरटीओ विभाग भी जो है वो सड़कों पे उतरा हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर पारुल मैम है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम ये बताइए कि किस तरह की जाँच के निर्देश आपको दिए गए हैं और किस तरीके से जाँच किया जा रहा है? अभी मुख्यालय से हमें निर्देश प्राप्त हुआ है और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार जो रोड पे चलने वाली बसेस हैं उनमें सुरक्षा मानकों, फिटनेस परमिट वगैरह इत्यादि की जांच की जा रही है। जी, ये कितने दिनों से शुरू की गई है अभियान? हमने ये कल से चालू किया है, 29 से लेकर 31 दिसंबर तक ये चलेगा। मैम अब तक के आपकी कार्रवाई में कितने लोग जद में आए हैं? लगभग सभी बसेस अभी तक तो हमने जितनी चेक की हैं फिट ही थी और सारे जो पेपर्स थे वो भी ओके थे। जो आरटीओ है वो लगातार इस तरह की कार्रवाई सड़कों पर उतर कर कर रही है, कहीं ना कहीं जो यात्री हैं बस में सवार जो यात्री हैं उनकी ज़िंदगी का सवाल होता है जब अनफिटनेस आप गाड़ियों पर चढ़ते हैं। एक बार फिर से देखें कि इस बस को यहां पर रोका गया था और अनफिटनेस होने की वजह से इसे रोका गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो दूसरी एक गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी उसमें अब इन यात्रियों को शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि एक बार फिर से आरटीओ के सामने ही यहाँ पर आँख में धूल झोंका जा रहा है। मेरी गाड़ी बिगड़ गई थी, दूसरी गाड़ी लेके आ रहे हैं इसलिए रोक दिए। क्यों पलटी कर रहे हैं आप गाड़ी? मेरी गाड़ी का आयल गिरने लगा था इसलिए दूसरी गाड़ी लेके आ रहे हैं, सवारी भर के दूसरी उस गाड़ी से इस गाड़ी में। परमिट दी गई है वो 5 मिनट के अंतराल की दी जाती है, चूँकि सवारी भरने के चक्कर में ये लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और कहीं ना कहीं जो सड़क हादसे होते हैं बसेस में वो घटनाएं निकल कर सामने आती हैं। इसके साथ ही देखते हैं कि कई बार जब बसेस जो है वो स्पीड से चलती है और सामने से कोई गाड़ियां आती है उससे टकराती है तो आगजनी जैसी घटनाएं होती हैं। जैसे कि एक घटना गुना में आपने देखा कि किस तरीके से एक टैंकर से चलती बस टकराई जिसमें लगभग 13 से अधिक लोगों की मौत की खबर आई और निश्चित रूप से इस घटना ने सब पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जो बसेस हैं वो सड़कों पर दौड़ाई जा रही हैं, इनको लेकर जो विभाग है वो तो सड़कों पर उतरा है पर क्या उन पर कोई नकेल कसा जा रहा है, क्या उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्रशासन जागा है और एक बार फिर से सड़कों पर आरटीओ की टीम जो है वो अनफिट बसेस और बीमार जिनकी नहीं हुए हैं उनको जाँच कर रही है, उन पर कार्रवाई करने की जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य। अंबिकापुर और बिलासपुर के बाद हम आपको सूरजपुर लिए चलते हैं, यहां बने नवीन हाईटेक बस स्टैंड को दिखाते हैं। यहां 50 से ज्यादा यात्री बस मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड ऐसे कई राज्यों के लिए, दूसरे जिलों के लिए रवाना होती हैं, वहां का हाल दिखाते हैं। इन बसों में रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं, सुरक्षा पर किसी की नजर नहीं। सूरजपुर जिले के नवीन हाईटेक बस स्टैंड से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत कई ऐसे राज्य हैं और कई ऐसे जिले हैं जहां से हजारों की संख्या में रोजाना यहां यात्री बसों से सफर करते हैं और लगभग 50 से ज्यादा बसें जो हैं वो सूरजपुर से रवाना होती है, इसमें यात्री सफर करते हैं। लेकिन एक सवाल जो हमेशा खड़ा होता है सुरक्षा का, वो यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आता है। क्योंकि बात करें कि यहाँ चाहे वो फिटनेस की बात हो बसों की या फिर ओवरलोडिंग की या तो फिर जो बसों में अग्निशमन यंत्र जैसा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होने चाहिए वो भी नजर नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो बसों के सिरे किसी भी बस में आप जो अग्निशमन यंत्र है वो आपको यहाँ नजर नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं ये बसों की वो तस्वीर है और जो खासकर ग्रामीण बाहुल्य सूरजपुर जिला है तो ऐसे में यहाँ की बात करें तो जो हजारों की संख्या में रोजाना यात्री सफर करते हैं उनके सुरक्षा की यहाँ पर व्यवस्था नजर बस में नहीं आती। वो ओवरलोडिंग जो होता है वो एक बड़ा सवाल बना रहता है। और अब आपको जांजगीर चांपा लिए चलते हैं, दिखाते हैं बसों की स्थितियां, दिखाते हैं तस्वीरें, दिखाते हैं, हैरान रह जाएंगे आप भी पूछेंगे कि क्या ये बस स्टैंड है। जांजगीर नैला क्षेत्र में नया बस स्टैंड खंडहर में तब्दील हो गया है जिसकी लागत राशि 25 लाख रुपए से बनी है। आइए हम बताते हैं यहाँ किस तरह खंडहर में तब्दील हो गया है और यह सिर्फ असामाजिक तत्व का ही यहाँ जमावड़ा रहता है। इसमें लोग शराब सेवन करते हैं, बगल में शराब दुकान होने के कारण यहाँ शराबियों का अड्डा बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ शराब सेवन की जाती है और
यहाँ डिस्पोजल से लेकर शराब की सीसी बोतलें और चखना आदि मिल जाएंगे आपको। और यहाँ बस की रुकावट नहीं होने के कारण खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। अगल बगल के शीशे टूटे हैं। यहाँ कुछ दुकानें भी संचालित हो रही थी पहले, लेकिन वह पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गया है। और अंदर में हम देख सकते हैं कुछ सब्जी की टोकरी और कैरेट भी पड़ा हुआ है, लेकिन वर्तमान स्थिति में यह खंडहर में तब्दील हो गया है। और बस की रुकावटें नहीं होने के कारण यहाँ दुकान संचालित नहीं होती है। ऑटो वाले की भी मनमानी रकम वसूली का सिलसिला जारी है। नगर पालिका नैला जांजगीर क्षेत्र में के जिम्मेदार लोग इस पर बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और यहाँ बस की रुकावटें होगी तो निश्चित रूप से यहाँ ये जो असामाजिक तत्व का जो जमावड़ा है वो निश्चित रूप से कम हो जाएगा और लोगों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध हो जाएगा इस बस स्टैंड में आवागमन के बाद। और पूरी चारों तरफ असामाजिक तत्व ही यहाँ मिलते हैं, चूँकि शाम होते ही और दिन में खुलेआम में भी यहाँ शराब सेवन की जाती है। जिम्मेदार लोग इस पर संज्ञान ले। कैलाश कश्यप, न्यूज 18, जांजगीर चांपा। बस स्टैंड जो है वो कोरोना काल से बसों का परिवहन थोड़ा सा बाधित होने के कारण वहाँ पे बसें रुक नहीं रही थी। हमारे शहर में 2 बस स्टैंड हैं। अब चूंकि कोरोना काल बीत चुका है और बसों का परिवहन सामान्य हो रहा है, तो अब आने वाले समय में RTO के साथ में हम लोग बैठक करेंगे। जिला प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे कि तीनों एक संयुक्त बैठक करके बसों को बस स्टॉप में स्थायी रूप से रुका। और अब बात एक बड़ी खबर की। मुरैना जिला अस्पताल में आग लग गई। SNCU वार्ड में आग लगी और देखते ही देखते फैलती चली गई। इसके चलते वार्ड में अफरा तफरी मच गई। तत्काल बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। मौके पर दमकल पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात निकलकर सामने आई है। वार्ड में अफरा तफरी मच गई, चूंकि बच्चों के साथ ये ऐसा वार्ड है। बच्चों के अलावा जो उनके परिजन होते हैं वो भी इसके आसपास ही। SNCU वार्ड में आग लगी। छोटे छोटे बच्चे उसमें भर्ती किए जाते हैं और क्रिटिकल कंडीशन वाले बच्चों को यहाँ भर्ती किया जाता है। लिहाजा जैसे ही इस वार्ड में लपटें देखी गईं, अफरा तफरी का माहौल थोड़ी देर के लिए बन गया। भगदड़ जैसी कमोबेश स्थितियाँ बन गई। हालांकि तत्काल बच्चों को शिफ्ट किया गया। ये इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। बच्चों को एक वार्ड से SNCU से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये सबसे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं। बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। अब तक ये साफ नहीं किया गया है प्रबंधन की तरफ से कि क्या कोई अनहोनी की खबर यहाँ से है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल क्या स्थिति है? आग पर काबू और क्या कुछ अब प्रबंधन की तरफ से कोई जवाब आया? देखिए, बिल्कुल अभी तक प्रबंधन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन आग पर भी काबू पा लिया है। क्योंकि SNCU वार्ड में जैसे ही आग भड़की थी तो पूरा SNCU वार्ड धुआं धुआं हो गया था। उसके बाद जो SNCU वार्ड में 100 से अधिक बच्चे थे उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की कवायद अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा की गई। और जो अग्नि समन्वय यंत्र थे वह भी बताया जा रहा है कि आउट ऑफ डेट थे। तो ये एक सबसे बड़ी लापरवाही है कि जो अग्नि समन्वय यंत्र थे वो आउट ऑफ डेट थे। अब अभी तक तो आग पर तो काबू पा लिया है क्योंकि 2 दमकल की गाड़ी भी मौके पर मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो SNCU वार्ड में जिला अस्पताल में यह कोई पहला घटनाक्रम नहीं है जब आग लगी हो। इससे पहले भी देखा गया था कि एक बार पहले भी आग लग चुकी है। तो ये बार बार लापरवाही की तस्वीरें सामने आना, ये कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधक से लेकर के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जाहिरा तौर पर अगर सेफ्टी ऑडिट जैसी कोई चीज होती तो इस तरह की तस्वीरें ही निकलकर सामने नहीं आती। जबलपुर की घटना के बाद जिसका ऐलान किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात धार की करेंगे। धार में रिश्वतखोर पर शिकंजा कसा गया है। 8,000 की रिश्वत लेते एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। लेखाधिकारी यह है, आशाराम भगोरे इसका नाम है। आशाराम भगोरे को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑडिट करने के एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त टीम इंदौर ने यह बड़ी कार्रवाई की है। जनपद पंचायत धर्मपुरी में यह कार्रवाई की गई है। ऑडिट के एवज में रिश्वत मांगने पर धार में बड़ी कार्रवाई। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। धार में घूस लेते हुए 8,000 की घूस लेते हुए लेखाधिकारी गिरफ्तार। इंदौर लोकायुक्त ने यह पूरी कार्रवाई की है।